जबलपुर में प्रशासन ने आपराधिक फैमिली का दंड कर दिया। शहर की कुख्यात लेडी शराब तस्कर और उसके आपराधिक प्रवृत्ति के 5 बेटों के कब्जे पर बुलडोजर चला दिया गया। बाबा टोला सिंधी कैंप में 3000 वर्ग फीट की जमीन पर लाखों की कीमत से बने 2 मकान बना लिए गए थे। जमीन और भवन की कीमत 3 करोड़ रुपयों से अधिक की बताई जा रही है। कलेक्टर इलैया राजा टी और SP सिद्धार्थ बहुगुणा ने निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ के साथ मिलकर कार्रवाई की पूरी रणनीति बनाई। SDM नमाशिवाय अजरिया और CSP गोहलपुर अखिलेश गौर की अगुवाई में टीम को मौके पर भेजा गया था। SDM अजरिया के मुताबिक बाबा टोला सिंधी कैंप में लगभग 3000 वर्ग फीट शासकीय जमीन पर कुख्यात लेडी शराब तस्कर मीराबाई सोनकर उर्फ मीना मच्छी और उसके 5 बेटों ने कब्जा कर लिया था। आरोपियों ने 50 लाख की लागत से 2 मकान बना लिए थे। जमीन की कीमत ही 3 करोड़ के लगभग है। हथौड़ा और ड्रिल मशीन से मकान तोड़ा जा रहा है। दरअसल मीराबाई सोनकर के द्वारा किया गया ये कब्जा सकरी गली में है, जहां तक बुलडोजर नहीं पहुंच सकता था और इस कारण नगर निगम के अतिक्रमण अमले को लगातार हथौड़े से भवन को तोड़ा जा रहा है। विवाद की आशंका को देखते हुए मौके पर आधारताल CSP प्रियंकर करचाम, नायब तहसीलदार संदीप जायसवाल, TI हनुमानताल उमेश गुल्हानी, विजय तिवारी, प्रियंका केवट और आधारताल गोहलपुर थाने का अमला भी नगर निगम टीम के साथ मौजूद रहा। मीराबाई पर 21 और उसके बेटों में बाबा सोनकर पर 31, बोरा उर्फ मोनू सोनकर पर 30, कल्लू उर्फ श्याम सोनकर पर 28, सोनू सोनकर पर 27, राजा सोनकर पर 12 अपराध, हत्या का प्रयास, NDPS एक्ट, अवैध वसूली, आर्म्स एक्ट, बलवा कर घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़, आबकारी एक्ट, जुआ आदि के मामले दर्ज हैं। मीराबाई सोनकर का पूरे मोहल्ले में इतना आतंक है कि कोई डर की वजह से शिकायत तक नहीं करता। इसके पहले सोनू सोनकर का जिला बदर भी हो चुका है। आज सिंधी कैंप में यहाँ की कुख्यात शराब माफिया मीना मच्छी के मकान पर प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि यहाँ मीना मच्छी के ऊपर लगभग 21 अपराध दर्ज है और इसके लड़के सोनू सोनकर के ऊपर भी लगभग 15 अपराध दर्ज है और सोनकर पूर्व में जिला बदर भी रहा है।